बातों बाहे बामे रेडियो फिजी 2 के कौन सा केरो के ऑनलाइन क्लियर रेडियो फिजी 2 रगरगी के लोग ज्यादा सुनते हैं नेंडी में हम सबकी पसंद रेडियो फिजी 2 तालेबू के लोग रेडियो फिजी 2 सबसे ज्यादा सुन रहे हैं मेरी पसंद रेडियो फिजी 2 मसूरी में सभी को पसंद रेडियो फिजी 2 तावा में रेडियो फिजी 2 सभी को सुनते हैं रेडियो फिजी 2 आई लव यू देश की धड़कन रेडियो फिजी 2 समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। 65 यानी 65 वर्षीय एक व्यक्ति को आज शाम सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया जिस पर हत्या के अभियोग लगे हैं। रविंद्र सिंह पर अभियोग है कि उसकी लापरवाही की वजह से 45 वर्षीय सेरुवाया रोकोसेरू और उनकी 3 साल की बेटी पाउलिनी तुम्बुना की मृत्यु मंगलवार को सुबह बस स्टैंड में हो गई। रविंद्र सिंह डीसी बस के चेकर हैं। व्यक्ति को रिहा करने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि उसके पास विदेश भागने के लिए पासपोर्ट है। सिंह की इसी महीने की 16 तारीख तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है जबकि इस मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। सुबह सिटी काउंसिल सुबह बस स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा पर निरीक्षण ले रहे हैं। सुबह स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर चंदू उमरिया का कहना है कि मंगलवार की दुर्घटना जिसमें एक महिला और उनकी 3 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई थी को रोका जा सकता था अगर ड्राइवरों ध्यान से बस चलाते। उमरिया ने बताया कि सुबह बस स्टैंड पर पगडंडी यानी वॉकवेज बनाया जाएगा, स्पीड बम्प्स भी बनाया जाएगा तथा सख्त कानून यानी एनफोर्समेंट तथा सिटी मार्शल्स बसों के नियंत्रण पर कड़ी नज़र रखेंगे। सुबह बस स्टेशन पर सुधार कार्य कल रात से शुरू होगा। मिनिस्टर फॉर इलेक्शंस अय्यर सैयद कयूम का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी उत्पतंग बयान जारी करने के बदले अपने कैंपेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेशनल फेडरेशन पार्टी तथा फिजी लेबर पार्टी चाहते हैं कि बैलेट पेपर्स पर नंबरिंग सिस्टम के बदले पार्टी सिंबल्स और कैंडिडेट की तस्वीर को शामिल करना चाहिए। बैलेट पेपर्स में नंबर्स रहेगा तथा इसमें पार्टी सिंबल्स को शामिल नहीं किया जाएगा। नेशनल फेडरेशन पार्टी का कहना है कि अगर इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया तब वे अदालत का सहारा लेंगे। अटॉर्नी जनरल ए सैयद कयूम ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे ओपन लिस्ट सिस्टम से घबरा रहे हैं, लेकिन फिजी लेबर पार्टी ने भी नए बैलेट पेपर्स को लेकर आवाज उठाई है। और खेलकूद में फ्लाइंग फिजियंस रग्बी कोच जॉन मैकी ने जून इंटरनेशनल के लिए 39 यानी 39 मेंबर टीम की घोषणा कर दी है। उन्होंने 11 स्थानीय खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है जो 19 तारीख मई को कैंप में जाएंगे। इन 39 में से 30 को फाइनल स्क्वाड में चुना जाएगा और इस फाइनल स्क्वाड की घोषणा 26 तारीख मई को की जाएगी। सेवंस के खिलाड़ी सामिसोनी विरवीरी और वेस्टर्न फोर्स सुपर रग्बी के प्रॉप सियोने कोलो भी इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। सुनिया कोतो का नाम भी इस स्क्वाड में है और क्रुसेडर्स के नेमानी नंदोलो तथा चीफ्स के असायली तिकुरुतुमा भी इस स्क्वाड में शामिल हैं। और ये थे आज के मुख्य समाचार। सोमवार को हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। और किसके सुनिए यार, हमारा एक सच्चा साथी है मिर्ची एफएम लंबा साथ। I love मिर्ची एफएम, it's so hot. देखिए मैं लाल लाल खाए में हाय हाय टंगी टंगी तौबा में मिर्ची एफएम is hot. Here at Rugby Town Singatoka, love listening to मिर्ची एफएम. मिर्ची एफएम it's hot. मिर्ची एफएम is number one in Suva. It's hot. हम वहीं लंबा सा में रहता है तो क्या बताएं, हम मिर्ची एफएम सुनता है। मिर्ची एफएम बहुत जुलूम जुलूम। मिर्ची एफएम it's hot.